We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel like... Hey guys, welcome back to our channel, Abhinidhi Diaries. Hope all of you are doing well. So, aaj hum log और एक नई डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। तो आज जहाँ पे हम लोग आए हैं, ये जगह का नाम है स्टैनली पार्क और ये बहुत ही फेमस है इन वैंकूवर। हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए, बट हम लोग को एक भी दिन क्लियर नहीं मिल रहा था। हर रोज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। आज हम लोग को मिल गया है वो वाला दिन। निकल गई है अच्छी खासी धूप, तो पूरा क्लियर वेदर हो चुका है। तो अभी हम लोग पहुंच गए स्टैनली पार्क। अभी हम लोग चलेंगे, ये पार्क को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वैसे एक पार्क काफ़ी बड़ा है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है। ये हम लोग चलेंगे, चल के देखते हैं कितना दूर तक हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं आज। हम लोग अभी तक स्टैनली पार्क का जो मेन पार्क है वहाँ तक अभी तक पहुँचे नहीं है। तो हम लोग अभी यहाँ से चल के जा रहे हैं स्टैनली पार्क के अंदर। ये जो है ये आपका वॉकिंग के लिए है, और उस तरफ वाला जो आपको दिख रहा है रास्ता वो है साइकिल के लिए। तो ये दोनों डिवाइड किया हुआ है, तो हम लोग अभी इसी रास्ते से चलेंगे आगे की तरफ। तो ये जो सारे ट्रीज आपको दिख रही है ना, ये चेरी ट्रीज है। चेरी ट्रीज जो है ना काफी फेमस होता है अपने चेरी ब्लॉसम के लिए, फ्लावर के लिए। ये मेनली जापान में होता है, तो जापान में ये सीजन है चेरी ब्लॉसम का। और जैसे आपको दिख रही होगी कि ये जो पेड़ है, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत लीव्स निकल आया है। फ्लावर जो है ये काफ़ी झड़ चुका है, आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारा फ्लावर्स का पेटल्स अभी गिरा हुआ है। चेरी ट्री का स्पेशलिटी ये रहता है कि जब ये होता है जस्ट फॉर 2 वीक्स ये होता है, ये फ्लावर्स रहता है। और ये जो फ्लावर जब आता है ना, तो पूरा पेड़ को ढक देता है एकदम फ्लावर्स से, कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ फ्लावर्स दिखता है। और वो देखने में ना बहुत बहुत सुंदर लगता है। हम लोग जब जापान में थे उस टाइम हम लोग ये सीज़न पर्टिकुलरली बहुत एंजॉय करते थे। तो ये अप्रैल और मई मंथ के बीच में होता है ये सीज़न। वाशिंगटन डीसी में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेरी ट्रीज लगा हुआ एक जगह है जहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत घूमने जाते हैं। वो सारे जो ट्रीज है ऑलमोस्ट 3000 कुछ ऐसा नंबर्स है ट्रीज का। तो वो सारे जितने भी ट्रीज है ना, जापान ने US को गिफ्ट किया था कभी किसी ज़माने में, और वही ट्रीज अभी बड़ा होके इतना सुंदर हो गया वहाँ पे। हर साल बहुत सारे विजिटर्स जाते हैं देखने के लिए। स्टैनली पार्क का मैप ये है, कोल हार्बर। तो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से आते आते हम लोग अभी यहाँ पे जो है हियर। और ये पूरा जो स्ट्रेच है 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ये पूरा है सी वॉल। यहाँ पे लिखा भी है सी वॉल। ये जो ऑरेंज कलर का मार्क बना हुआ है ये पूरा सी वॉल है। यहाँ पे हम लोग चल के भी जा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग साइकिल से भी जा सकते हैं। सी वॉल यहाँ से 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3, 3.5, 4, 5.5, तो लगभग ये पूरा स्ट्रेच 9 किलोमीटर का सीवाल है। और शायद ये इंग्लिश बे बीच में हम लोग पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे। तो आज तो कवर नहीं कर पाएंगे, कभी और आना पड़ेगा। तो आज हम लोग सोच रहे थे कि एक्वेरियम और हॉर्स ड्रॉन जो कैरेज है वो हम लोग चलेंगे करके, लेकिन आज क्लोज हो चुका है। अभी 6 o'clock हो रहा है, 8 बजे तक खुला रहता है। हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे ही है टिकट के काउंटर, ये इन्फॉर्मेशन काउंटर भी है, टिकट काउंटर भी है, बट ये बंद है, 4 बजे तक बंद हो जाता है। 3:30 बजे से पहले आना पड़ेगा। अभी बज रहा है यहाँ पे 6:15, तो हम लोग लेट है। नेक्स्ट बार फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा हुआ है स्टैनली पार्क के बारे में,
डब्ल्यू एस रॉलिंग्स करके एक पार्क सुपरिंटेंडेंट था 1917 में, ये सोचे थे एक ग्रैंड सी वॉल बनाने के लिए ताकि ये जो शोर लाइन है ये थोड़ा सा आइलैंड जैसा बन जाता है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो सी से इरोशन ना हो, वेव इरोशन ना हो, इसलिए ये शोर लाइन बनाया था। ये सी वॉल लगभग 9 किलोमीटर का सी वॉल है, तो 62 ईयर्स लगा बनने में, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स बनाया था ये 9 किलोमीटर वॉल। अभी वॉकिंग करते करते जा रहे हैं सी वर्ल्ड के साइड से, सी वर्ल्ड हम लोग के साइड पे है और उस तरफ है सी। वॉकिंग करने में काफी अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि आज बहुत अच्छा सनी डे है, बहुत अच्छा लग रहा है वॉकिंग करने में। और टाइम अभी हो रहा है 6:30 ऑलमोस्ट हो गया है, यहाँ पे सनसेट होती है रात को 8 बजे, अभी बहुत टाइम है सनसेट होने में, तो हम लोग आराम से घूम सकते हैं। जैसे जैसे अभी समर सीजन आता जाएगा और भी लेट से सनसेट होगा, समर सीजन में यहाँ पे 9:30 तक सन रहती है, हम लोग के लिए बहुत स्ट्रेंज है। तो स्टार्टिंग में जब आए थे तो बहुत अजीब लग रहा था, इतना लेट तक सन रहता है, लग रहा था कि अभी शाम ही हुआ है, तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि कब डिनर करे, कब शाम का इवनिंग टी पिए, तो सब उल्टा उल्टा हो गया था जब यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में। बट अभी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो गया है, अभी पता चल जाती है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चले हैं अभी तक, चल के थोड़ा थक गए, यहाँ पे बैठ गए हम लोग थोड़ा सा आगे तक चलेंगे शायद, बट आज तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, और एक दिन आना पड़ेगा, तो जितना तक हो सकता है उतना तक आप लोग आज देखिए। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा किसी एडवेंचर में निकलेंगे यहाँ पे और आप लोग को दिखाएंगे। Oh,
फॉल जो था वो काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एकदम स्ट्रक्चर बना हुआ था वुडन का और उसमें कर्व किया हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ से अभी हम लोग ये व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। ग्राउस माउंटेन है और यहाँ पे जो माउंटेन आपको दिख रही है मेरे पीछे, जिसमें थोड़ा बहुत स्नो आपको दिख रहा होगा ऊपर में, तो वो है सेमोर माउंटेन। ये जो ब्रिज है ये लायंस गेट ब्रिज है और भी बहुत सारे माउंटेन्स है यहाँ पे। तो वैंकूवर जगह जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, अब तक तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा सिवाय एक चीज़ का, वो है यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होती है। आने के बाद से हम लोग को खाली बारिश ही दिखाई दे रही थी, हम लोग को लग रहा था कि कब एक थोड़ा धूप निकलेगा और कब हम लोग थोड़ा सा इतना अच्छा सनराइज में क्लियर डे में हम लोग थोड़ा घूमने निकलेंगे, तो आज अल्टीमेटली वो दिन आ गया। तो चलिए हम लोग अभी चलेंगे वापस। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से हम लोग जब जा रहे हैं, यहाँ पे है सी और चारों तरफ पीछे माउंटेन्स दिख रहा है और माउंटेन्स के ऊपर चारों तरफ स्नो ही स्नो दिख रहा है। मज़ा आ गया आज। आज का जो डे है मॉर्निंग में तो क्लाउडी से शुरू हुआ था बट अचानक से आफ्टरनून में धूप निकल आया।